एसक्यूएल फंक्शंस, एसक्यूएल के अंदर जो हमारा फंक्शन है आईआईएफ का फंक्शन, जैसे कि हमने यहाँ लिखा स्लैश स्टार, यहाँ हमने दिया फ्रॉम आईपीटी डॉट डीबीओ डेटाबेस सब्जेक्ट डॉट, यहाँ पर हमने दे दिया डेटा। ओके, अब जब एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे डेटा आता है। अब मैंने स्टार को हटाया, स्टार में हमने यहाँ पे डाला ईयर, अपने हिसाब से फील्ड डालूंगा तो ईयर डालूंगा, कॉमा डालूंगा मंथ, कॉमा डालूंगा प्रोडक्ट, और यहाँ पे ओके क्वांटिटी, एक क्वांटिटी आ जाएगा हमारा, राइट। अब मुझे क्वांटिटी के बाद यहाँ पे इंसेंटिव देना है, क्या देना है, इंसेंटिव देना है। ओके जी हाँ, प्रॉब्लम ये है कि इंसेंटिव में मैं अपने हिसाब से कंडीशन देना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा सेल्स ग्रेटर देन 10 है तो 500 की इंसेंटिव आनी चाहिए। यहाँ देंगे आई आई एफ, क्या देंगे आई आई एफ, और नॉर्मल इफ यहाँ पे डबल आई लगाता है, सिंगल आई यहाँ पे डबल आई। और यहाँ आईआरएफ क्या करता है यहाँ पे? आईआरएफ क्या करता है? ओके जैसे एक्सेल में आपका इफ फॉर्मूला करता है, ऐसे यहाँ पे आई इफ करता है, ठीक ओके है। तो हमने बोला कि अगर ये ग्रेटर देन 10 है, 10 है तो यहाँ पे 500, अदरवाइज 0, और यहाँ पे मैंने दे दिया एज ए आई एन सी, ठीक है सर, ठीक आ गया यहाँ पे, बिल्कुल है ओके। मतलब ये इसका काम कर रही बिल्कुल एक कदम करता है। समझे है, समझे दिक्कत इसमें। समझे सर। इसके जगह एक एक और चीज और, चलो हाँ, इसके जगह हम केस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माने कि आई एफ तो है ही, इसके साथ वो केस भी लगा सकते हैं। जैसे दूसरा आईडी मेरा क्या है कि मुझे इस पे आई एन सी जो 500 है उस पे मुझे 12% की जीएसटी पे करनी है, ठीक है। लेकिन बराबर। क्वेश्चन यही है कि जो क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है उसी पे हमें हमको देना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस, क्या लिखेंगे केस, केस इसमें देंगे वेन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10 देन, यहाँ पे शो हो 500 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है। और फिर यहाँ पे एल्स दिया कि एल्स हमने यहाँ पे 0 दे दिया, और यहाँ पे एंड किया एंड, और यहाँ पे लिख दिया एज ए जीएसटी, आगे मैं, ओके ठीक है ठीक है। मतलब ये वैन क्या करता है? वैन भी इफ के लिए काम करता है। नहीं है सर, इसका ना केस केस है, ओके ठीक ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कर या इसका यूज करें। ओके। तो दोनों में से मुझे वैन वाला अच्छा लग रहा है। वेन में से यहाँ पे केस लिखा वेन, यहाँ देखिए केस लिखिए, केस लिखे के बाद आप वेन दीजिए, वेन में अपना कंडीशन दीजिए, देन अपना ट्रू रिजल्ट, एल्स अपना फॉल्स रिजल्ट, और यहाँ पे एंड कीजिए, और यहाँ पे एज ए अपना फिल नेम, ठीक है, क्लियर हाँ है। सर क्लियर। ओके अब इसके बारे में जो और डिटेल है हम आगे बताएंगे, आपको चिंता मत करिए। अब चलिए हम एक एक करके दोनों सीखते हैं। हम पहले बात करते हैं आई आई एफ के बारे में, आई आई एफ, ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं आई आई एफ
इसके अंदर लिया हमने, हमने दिया एंड, यहाँ पे एंड, एंड के अंदर कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ए 10 नहीं, और कॉमा क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 15। जैसे एक्सेल में करते हैं क्या ऐसे यहाँ कर सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं कर सकते आप, क्योंकि नहीं 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 आएगा एंड क्योंकि वो तो जो है सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन देना होता है क्या करेंगे? तो यहाँ हमें सिंपल लिखना है क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50, 50 नहीं मतलब कि 10, और यहाँ एंड देना कि क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 15, अगर ऐसा हो तो 500 नहीं तो 0। तो यहाँ पे मिल दिया एज ए INC, और यहाँ पर अपना और यूज करके देखिए सर, और की और हाँ और रुकिए तो सही, और लाइक कंडीशन भी तो बननी चाहिए ना, सबसे बराबर बराबर फिर मिल जाएगा। और नहीं नहीं बराबर यहाँ पे हमने दिया फ्रॉम, IPT डॉट DBO डॉट डेटा, ठीक है। इसको रन कीजिए, ये आ गया एंड, समझ में आया। तो अगर तीसरा कंडीशन है तो यहीं पे एंड लगा दीजिए, जैसे कि मुझे ईयर जान दिया हमने कि एंड ईयर इक्वल टू 2024, ठीक है। ऐसे मल्टीपल कंडीशन आप दे सकते हैं। तो आई आई पहले आपने दो चीज समझा कि आई आई इफ क्या है, फिर आपने सीखा कि आई आई इफ के अंदर हम एंड कैसे लगाएंगे। ओके, क्लियर है? तो ओके हाँ जैसे कि आपने सर बोला कि मुझे और चाहिए, राइट, क्या चाहिए? और चाहिए, तो और मुझे यहाँ पे क्वार्टर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने लिखा आई आई एफ ब्रैकेट ओपन, मैंने बोला कि मंथ, जो मंथ है वो इक्वल टू जैन, और जो मंथ है वो इक्वल टू 5 है, और जो मंथ है वो इक्वल टू यहाँ पे मार्च है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टर वन, यहाँ पे क्वार्टर वन आए नहीं तो ब्लैंक, ठीक है। अब इसमें मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये रेड लाइन क्यों आ रहा है? तो मार्च के इधर आपने ये नहीं लगा, कॉमा नहीं लगा, और तो मैं दूसरे कॉमा और मार्च के ठीक है, हट गया। अब मैंने इसको, अब चाहो तो यहां से मैं नीचे तोड़ भी सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको रन किया, तो देखिए क्वार्टर ना, अब यहाँ पे ऐसे ही यहाँ दे देता हूँ। बाद एक मिनट सर, 1 मिनट। ईयर में तो 22 22 सब दिख रहा है, तो और आपने कभी 24 दिया है ना? तो क्वांटिटी मैं एक बार आपका कंफ्यूजन हो गया आपको, अब ध्यान से देखिए मेरे डेटा कैलकुलेशन को क्या है, एक बार पढ़िए ध्यान से। तो ओके ओके और तो 15 रहेगा तो ईयर 24 500 या फिर 0, वो नहीं है इसके तो 0 के साथ। यहाँ पे जो डेटा आपका दिख रहा है, डेटा को समझ नहीं करेंगे कि डेटा शॉर्ट कर लीजिए हम, वेयर पर हम तो यहाँ कॉलम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये डेटा में दिखेगा दिखा, इसके सामने जो कंडीशन है वो नहीं दिखेगा। 2024 का कंडीशन पहले रहेगा, उसके पहले का नहीं रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल समझ में आया, बदाम ओके खाया कीजिए, ठीक ठीक है ना। बादाम जब तक नहीं खा लेगा
तो मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक आपको है, तब इसको ब्रैकेट में देके और देना पड़ेगा मुझे 2023 या 2024, अगर वो तो दोनों देना है तो मुझे इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ही कॉलम में दो नहीं हो सकते ना सर, एक ही हो सकता है ना। तो इसको यहाँ पे एनडी और यहाँ करना है और इक्वल टू 2023 और ब्रैकेट में दे ओके ऑनलाइन। ओके ओके ऑनलाइन का सेटअप आ गया। ओके 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 ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें? तो नहीं यहाँ पे हमने आईआईएस को समझ लिया राइट, एन और लगा के सीख लिया। अब बात करते हैं नेशनल लेवल नेक्स्ट जी, या नेशनल मैं भेज देता हूँ, कोडिंग सारा भेज रहा हूँ ठीक है। हाँ ये भेज दो ये भेज दो, इससे मेरे प्रैक्टिस करके अलग अलग टाइप का मारूंगा। अब यहाँ पे मैं देता हूँ कंडीशन आई एफ कि अगर मेरा क्वांटिटी लेस देन 5 है तो मुझे 500 देने ठीक है। कॉमा फिर यहाँ पे दिया आई एफ ब्रैकेट ओपन, अगर क्वांटिटी लेस देन 10 है तो मुझे देना है 1000 राइट सर। फिर आई एफ यहाँ पे मैंने बोला कि मेरी क्वांटिटी अगर लेस देन इक्वल टू 15 है तो देना है मुझे 15,000। फिर यहाँ पे आई आई एफ अगर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 20 तो देना है मुझे 2000, अदरवाइज 0 ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे लिख दिया एज ए आई एम सी। अभी रेंज लाइन क्यों आ रहा है बताइए? तो है नहीं ये तो हर भी हमें मार दिया है, ये हमने कितना इफ यूज किया, चार किया है ब्रैकेट एक, मैं यहाँ पे चार ब्रैकेट ओपन है ब्रैकेट एक क्लोज कर रहा ओके ओके हूँ। देखिए दिख रहा है ओके ना, हाँ ओके ओके अब ओके ओके समझ में आया। इसी चीज को अगर हम करते हैं किसे केस से तो क्या होगा? चलिए केस वाला भी देख लें। हाँ केस में हमने यहाँ दिया केस ठीक है, केस केस में लिखा वेन, क्या लिखा वेन, कंडीशन दिया कि हाँ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10 एंड क्वांटिटी लेस देन 20 देन 500 एल्स 0। और यहाँ पे एंड एज ए आई एल सी ठीक है, रन कीजिए आ गया। तो इस तरह से एंड और आप दे सकते हैं राइट। ठीक तो दिक्कत इसमें, ठीक अब इसी में और लगाना, तो और कैसे लगाएंगे?
और में मैंने यहाँ पे जैसे कि दिया कि मंथ मंथ इन, यहाँ पे इन लगेगा जैन, मैं देख रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, मुझे लगा मेरा क्यूटी कहता है कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देख रहा हूँ क्या, ओके फिर कोशिश करने के वालों की कभी हार नहीं होती है। सही बात है। तो पुनाना हो गया सर अभी। कोशिश करने वाला ही तुक्का मारते हैं, पर नहीं चला। देखो किया तो नहीं ना, इसे एक चीज मैं सीख गया है अच्छा कि मैं एक चीज सीख गया कि इन जो है सिर्फ देर में काम करता है, फील्ड में काम नहीं करता है। हाँ ओके okay। सर एक तो पूछना था मुझे, आप एक्चुअल का आपने अगर पहले को भी सिखाया रहता तो एक पूरा एक वीडियो है क्या आपके पास इधर कंप्लीट एक्चुअल का? बहुत हो गया है थोड़ा सा, नहीं बनाया आपने कभी? अच्छा अभी तक तो नहीं बनाया, पर बनाने के लिए सोच रहा हूँ। दो तो सबको करना आएगा सर, आज नहीं कभी 10 साल के बाद भी वो वीडियो देख पाएंगे लोग। ठीक है सर, ला लूंगा, जल्द बना लूंगा, थैंक यू सर, थैंक 2025 यू, 25 26 के आस 25 के आसपास बना लूंगा। चलिए। थैंक यू। गया सर, उत्तर मानना देखा। मना है कि नहीं सर, ऐसे कहना चाहते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हो? हो गया। आप बोलते हैं तुक्का मारने से नहीं होता है, हुआ कि नहीं, दिक्कत क्या था कि मैंने यहाँ पे जीरो दे दिया था। अब यहाँ एक सेल में आप डाल रहे हैं कैर, एक सेल में आप डाल रहे हैं इंटीजर, तो दिक्कत होगा ना। अगर इसी को मैं एक तो सिंगल कोटेशन मार्क में डालता जीरो को, तो ये चल जाता, चल गया। ओके तो इन यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे और वाला जो मेथड बताया था मैंने, वो तो और मेथड भी यूज कर सकते हैं और एंड इन मेथड भी यूज कर सकते हैं, समझ गए। ओके और मेथड कुछ लगा लीजिएगा, लगा लीजिएगा ना सर। हाँ ये समझ गया। नहीं, यहाँ इसके जगह पे और का मेथड, और का मेथड अभी लगाना है तो ओके यहाँ फिर मंथ इक्वल टू जैन, क्योंकि ये चीजें सिर्फ इन okay। टेक्स्ट पे ही, इन टेक्स्ट पे ही लगा पाएंगे ना सर। अगर नंबर से ग्रेटर देन लेस देन जैसा कुछ होगा तो नहीं लगाओगे सर, समझे बराबर। हाँ कि सर नहीं। इसलिए सही बोला, कोशिश करने वाला भी हार नहीं। सही बोल रहे बोला इसको भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेस्टेड वाला जो मैंने बताया था, उसको भी बोल देते हैं। तो नेस्टेड में यहाँ देना है कि वेन वेन क्वांटिटी क्यूटीआई क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ बिटवीन क्वांटिटी बिटवीन भी कर सकते हैं कि बिटवीन 0 to 10 देन
500 बिटवीन क्यों आगे वाला हो गया? और होगा और बिटवीन यहाँ एंड दे रहा होगा। व्हेन क्वांटिटी, अच्छा बिटवीन का स्पेलिंग मिस्टेक तो हट गया। अच्छा एंड के जगह पे मैं टू लिखूं तो चलेगा? नहीं, टू इसमें टू वर्क नहीं करेगा, इसमें एंड ही रहेगा। ठीक है, इसी को कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे 11 to 15, तो क्या होगा यहाँ पे फिर क्वांटिटी यहाँ देंगे हम 16 to 20, यहाँ पे हो जाएगा 1500। और फिर यहाँ हो जाएगा वेन क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 देन 2000, और फिर यहाँ 0 देना होगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट वर्क नहीं करेगा। हो गया सर? तो नेस्टेड इफ के लिए जो अगर देते हैं वो दीजिए, या फिर इसको देना ये दीजिए। अब आपको जो सिंपल लग रहा हो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर इसका भेज दो, जो कर भेज दो, दो इजी लग रहे हो मैं करूंगा। ठीक है। तो अभी मैंने आज जो है चैप्टर खत्म कर दिया आपका, बिटवीन इसका इफ और बिटवीन का। तो इसमें